सभी दर्शकों को गुलिस्तान लाइव फीड के माध्यम से आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और वर्ल्ड टूरिज्म डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि डायरेक्टर मेरे साथ है और जॉइंट डायरेक्टर भी यहां पर मौजूद है और आज इस कार्यक्रम को लेकर जो है आज जम्मू में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। और जम्मू की खासकर इस हेरिटेज प्लेस की बात करते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि मुबारक मंडी की बात करते हैं, तो इस कार्यक्रम में कई सारे लोग ने जो है वो शिरकत किया है और सीधा डायरेक्टर जी से बातचीत करेंगे आज के इस खास मुख्य कार्यक्रम को लेकर और इस मुख्य कार्यक्रम को लेकर किस तरह से उद्देश्य रखते हैं और किस तरह से आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पूरी तरह से इसको बढ़ावा देना चाहते हैं और वर्ल्ड टूरिज्म की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को लगातार आपने देखा कि काफी समय से जो है जम्मू कश्मीर सर किस तरह से देखते हैं आज के दिन को लेकर। बेहद खास दिन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे है और आज का दिन कितना खास रहने वाला है जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए। और आने वाले समय में हमने देखा कि जो पिछला समय बीता है उसमें लगभग जो है कई सारे टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आए, जिन्होंने संख्या भी बढ़ाई, किस तरह से देखते हैं। तो आपने देखा कि कुछ ही समय में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, मगर ये बेहद खास है कि लगातार संख्या जो है वो जम्मू में और कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर की बढ़ी है और जिसके कारण लगातार इजाफा भी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। सर बेहद तो पहले तो आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, किस तरह से देखते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे एक जिम्मेदारियों के लिए है, क्योंकि टूरिज़्म जम्मू कश्मीर के लिए जैसा हम देख सकते हैं बैकबोन है हमारे स्टेट के लिए और ये एक जिम्मेदारियों का है। नॉर्मल किसी और दिन को मनाने की तरह नहीं है, हम अपने क्योंकि इस बार का जो थीम भी है रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल, कि जो हमें चीज़ें मिली हैं वो हेरिटेज के रूप में हो, नेचुरल हो या जैसे भी, उनको कैसे हम बनाए रखें, उसे बेहतर बनाएं, उसी रेफरेंस में आज जो ये टॉक शो जैसी चीज़ है, जो डिस्कशंस होंगे कि अपनी चीज़ों को हम कैसे बाहर तक पहुँचाएँ और जो टूरिस्ट आ रहा है उसको मोटिवेट, उसको एजुकेट या उसको इस तरीके की फीलिंग आए कि वो आए यहाँ इंजॉय करे और सस्टेनेबल रहे, कि हमारा नेचर जो हमें आज तक मिला है उसे हम अगली पीढ़ियों तक कैसे पहुँचाएँ, बनाए रखें, बचाए रखें। और इस तरीके के प्रोग्राम हमारे जो नए यूथ हैं उनको मोटिवेट करेंगे कि वो इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। इसलिए आज के प्रोग्राम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हमारे स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, देख पाएँ। तो एक बार फिर से वर्ल्ड टूरिज्म डे की आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को हार्दिक बधाई और हम लोग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं। एक बेहद खास सवाल करूँगा, हम देख रहे हैं कि लगातार टूरिज़्म जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, आने वाले समय में हम किस तरह से देखें कि जो इसकी संख्या है वो डबल होगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने ये आह्वान किया था कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में इसकी संख्या जो है वो डबल होने वाली है। तो क्या हम ये मान के चलें कि जम्मू हो या फिर कश्मीर हो, ये अब सेक्टर जो है इसमें भी एक बड़ा बूस्ट आने वाला समय है। बिल्कुल, जैसे टूरिस्ट फिगर जो आ रहे हैं, जो अभी अगस्त सेप्टेम्बर अगस्त तक की डेटा है, वो होपफुली जो लास्ट ईयर का हमारा जो डेटा था पूरे स्टेट का 1.88 करोड़, डेफिनेटली उसमें हमें लगता है कम से कम 20-30% का ग्रोथ होगा, क्योंकि जो फीड जो लास्ट ईयर के नंबर्स थे अगस्त तक के पूरे स्टेट के और ख़ास करके हम जम्मू का भी कहना चाहेंगे, एटलीस्ट वो 20% आगे चल रहे हैं। तो होपफुली जब आगे फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं, नवरात्रा है, दशहरा है, दिवाली है, फिर क्रिसमस है, न्यू ईयर है, लोहड़ी है, मतलब अब अगर हम ये कहें कि पूरे देश में फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और अगले 3-4 महीने पाँच सेलिब्रेशंस किस तरह से रहने वाली है और टूरिज्म किस तरह से तैयार है। नवरात्रा फेस्टिवल हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया है जो कटरा में है, उसके साथ साथ जम्मू में भी हम कम से कम रेगुलर एवरीडे नवरात्रा में जम्मू शहर में प्रोग्राम रखेंगे, जो कल्चरल भी होगा, रिलीजियस भी होगा, बाहर के भी जो रिलीजियस परफॉर्मेंसेज हैं कल्चरल वो रहेंगे और पूरे जम्मू प्रोविंस में हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे वो चलेंगे। उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में हमारे विंटर्स फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, फिर लोहड़ी, मतलब आप ये समझिए फिर शिवरात्रि आएगी, तो उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑन एवरेज हर वीक देखा जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ प्रोग्राम, कुछ ना कुछ इवेंट चलते रहेंगे। आखिरी और बेहद खास सवाल, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो हेरिटेज को एक प्रण लिया गया है कि उनको संरक्षण करना है, आने वाले समय में हम ये देखें कि जिस तरह से आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, जो हमारा रियासी का किला है, कठुआ का किला है और हमारा जिस इस स्थान पर हम खड़े हैं, ये मुबारक मंडी,
ये वो मुबारक मंडी है जहाँ पर महाराजा जी ने समय बिताया और किस तरह से सब ये सब जानते हैं, और ये कितना जल्दी जो है जम्मू को समर्पित होने जा रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे जम्मू वासी एक हेरिटेज बनने जा रहे हैं। हमें लगता है कि अगले कैलेंडर ईयर में 24 में निश्चित रूप से, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ये बहुत ही ये जो प्रॉपर्टी है मुबारक मंडी, इजी नहीं है इसको रिपेयर और ये करने में, क्योंकि जो लोग इसके लिए काम करते हैं वो हमारे रेगुलर काम करने वालों की तरह नहीं होते हैं कि जो हम कहीं घर या इस तरीके के ऑफिसेज बनाते हैं, इसके लिए ट्रेंड रहते हैं, उनकी स्कैरसिटी है, वो दूसरे स्टेट से आते हैं तो वो भी साल भर या जितने दिनों का काम है उसमें उनकी कुछ अपनी ज़रूरत आते हैं और चले जाते हैं, ये जो डिले हो रहा है उन्हीं वजहों से हो रहा है, लेकिन हमें लगता है अगले साल तक 24 में होपफुली ये जम्मू शहर के लोगों के लिए, टूरिस्टों के लिए ये उनको समर्पित कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि ये जो हमने देखा कि वर्टिकल लिफ्ट, रोपवे और अन्य प्रोजेक्ट जो हैं वो समर्पित हो रहे हैं जम्मू वासियों को, तो इससे टूरिज्म सेक्टर में, हम टूरिज्म सेक्टर की खासकर बात कर रहे हैं, इसमें इकोनॉमिकली और अगर हम कहें कितना बूस्ट हो सकता है? जैसा भी हम लोग हमारा वाटर पार्क जम्मू शहर को उम्मीद है कि अगले साल कैलेंडर ईयर में वो मिल जाएगा, और वो उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया जा रहा है कि टूरिस्ट वहाँ से पीरखो जो हमारा केबल कॉर्पोरेशन है वहाँ से, जैसा आपको जानकारी है कि अप्रूवल हो गई हमारी वर्टिकल लिफ्ट की, वो तो एक तरीके से आने वाले सालों में हर साल कोई ना कोई प्रोडक्ट जम्मू शहर के लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए रहेगा कि वो हर बार जब आएंगे, जो बाहर का टूरिस्ट आ रहा है या लोकल लोगों के लिए भी एक नया प्रोडक्ट मिलेंगे, तो वैल्यू एडिशन टूरिज्म सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक्सक्यूज बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनमें साफ उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इकोसिस्टम जो है, एक बूस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है, और आने वाले समय में और भी इजाफा जो है होता नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से नमस्कार।